बमोरी में उपचुनाव के सबुआहट के बीच सोमवार को भाजपा के बमोरी चुनाव प्रभारी राजगढ़ सांसद रोलमन नागर गुना होते हुए म्याना पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा म्याना मंडल की बैठक ली। इस दौरान पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। म्याना के पटेल भवन में आयोजित भाजपा के सदस्यता ग्रहण समारोह में म्याना एवं आसपास के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवा, इंजीनियर और शर्मा, राधेश्याम पारिक, महेंद्र सिंह किरार आदि भाजपा जनों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कार्यकर्ताओं का भाजपा कमचा पहना कर स्वागत किया। म्याना से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दिनेश सिंह जाट, श्री राम सेन, पप्पू लाल जाट, नत्थू लाल खेरवा, राजेश लोढ़ा, गोलू लोढ़ा, बंसी लाल लोढ़ा, कपान सिंह जी आए। बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी साथीगण, उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशीर्वाद से 5 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। और आज एक और घोषणा करने जा रहा हूं, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है घोषणा करने का, मगर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से, माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से, महाराज सिंधिया जी की तरफ से और आदरणीय बीडी शर्मा जी की तरफ से, मैं ये घोषणा करता हूं कि जल्दी से जल्दी म्याना नगर पंचायत घोषित होगी। वो सरकार चली गई जो निकम्मी थी, अब जो सरकार आई है ये काम करने की सरकार है और इसके साथ काम करने का आनंद हम लोगों को अलग आएगा। तो आज आप सबने जो कार्यकर्ता मीटिंग